तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड एडमिशन 2022 में जो ऑनलाइन काउंसलिंग डेट जारी होगी, तो रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यर्थी काउंसलिंग के एडमिशन की ऑनलाइन तिथि आपको इसमें 25 से लेके 4 अप्रैल तक ऑनलाइन तिथि काउंसलिंग है। काउंसलिंग सिर्फ आपकी एक बार ही रजिस्ट्रेशन में होगी, यानी कि काउंसलिंग आप सिर्फ एक बार ही करा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन की जो तिथि है 25 जुलाई से लेकर आपको 4 अगस्त तक है। इसमें सीट की बात कर ले दोस्तों, तो टोटल सीट आप यहाँ देख सकते हैं 36,000, टोटल 36,850 सीट है नामांकन के लिए, जिसमें आपको बता दी कि 14 महाविश्वविद्यालय में आपको 14 विश्वविद्यालय जिसमें 3,337 बीएड महाविद्यालय है, जिसमें 36,800 इतनी सीटें हैं। जिसमें सरकारी कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेज आप इसके 6 सरकारी कॉलेज है और 29 संबंधी कॉलेज है उससे, यानी जिसे कहते हैं हम लोग सेमी सरकारी कॉलेज, और 302 प्राइवेट कॉलेज और 20 अल्पसंख्याओं के लिए कॉलेज है। और इसमें 8 महिलाओं के लिए कॉलेज है, जिसमें अनुसूचित महिलाओं के लिए और 1 पुलिस कॉलेज शामिल है। तो इतनी कॉलेज आप देख सकते हैं, इस तरह दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन में फ़ी की बात कर ले कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कितना कितना फीस लगेगी, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस की हम बात करें तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 1,000 रुपया फीस लगेगी आपको। 1,000 रुपया फीस लगेगी जनरल जनरल के लिए एंड अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए इतनी सी फीस लगेगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी, ईबीसी और डीक्यू, इसके बाद अदर कास्ट, तो इस सब के लिए लगभग टोटल आपको 750 रुपया रजिस्ट्रेशन करने की चार्ज लगेगी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि SC ST के लिए, तो SC और ST के लिए आपको 500 रुपया फीस लगेगी। और इसके बाद बढ़ी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में टोटल आपको ऑनलाइन ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको 12 कॉलेजों की नाम देनी होगी। 12 कॉलेज के आप नाम देंगे, जिस कॉलेज में आपकी डेट आएगी, जिस कॉलेज में आपकी लिस्ट आएगी, आपकी रैंक आएगी, उसी कॉलेज में जाके आप अपना ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप इसी तरह बीएड से कोई भी अपडेट आती है, बीएड से कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो चैनल के अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।